हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दे ब्लॉक में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। और आज चलिए आप लोगों को एक नई जानकारी देते हैं। और सनी क्रेन का जो आप लोगों ने बोला था उस तरह से बिल्कुल ऑपरेटिंग केबिन का जितने भी स्विच हैं, आज उस स्विच के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। आपको ले चलते हैं और बताते हैं सनी क्रेन 50 टन का कि फॉल किस तरह से चेंज किया जाता है। तो आज आपको फॉल चेंज करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से फॉल चेंज करते हैं। अगर आगे से फॉल चेंज करते हैं तो कंप्यूटर में किस तरह से सेट किया जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें। आज आपको ले चलते हैं ऑपरेटिंग केबिन की ओर और आपको दिखाते हैं कि ऑपरेटिंग केबिन के अंदर में कितने सारे स्विच हैं और हर एक स्विच के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सा स्विच किस चीज का काम आता है। तो चलिए और चलते हैं फिर ऑपरेटिंग केबिन की ओर। और ये रहा हमारा ऑपरेटिंग केबिन। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कि आप देख पा रहे हैं अभी ऑफ है, मैं ऑन करके दिखाता हूं। और ये हमारा पूरा स्विच है जो कि आप देख पा रहे हैं, सारा स्विच है इधर है। और ये हमारा देखिए यहां पे मीटर है जो 2 मीटर सामने दिखाई दे रहा है। और ये रहा हमारा लीवर, पांचों लीवर देखिए, ये है हमारा पांचों लीवर, ये है 1 2 3 4 5। और इसमें देखिए ये है एक, यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है सारे लीवर पे, आप देख पा रहे होंगे सभी पे सिग्नल दिया हुआ है। ये रहा बटन जो कि देखिए यहाँ से मेन बटन है, यहाँ से ये कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों के सामने देखिए कंप्यूटर ऑन हो चुका है और ये सनी लिखा हुआ है जो कि सनी कंपनी का क्रेन है। और आगे आप लोगों को बिल्कुल बताते हैं कि इसमें क्या है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है और ये जो देखिए साइन का चिन्ह नज़र आ रहा है, तो हमको देखिए जो F8 है ना, F8 को एक बार दबा देंगे तो ये बिल्कुल ऑन हो जाएगा। और ये जो F1, F2, ये जो F3 देख रहे हैं ना, देखिए ये जो हुक का चिन्ह देख रहे हैं ये F3 है। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं F1, F2, F3, F3 जो देख रहे हैं ना, ये हमारा फॉल का है। तो अगर हम इसको इस तरह से दबाएंगे ना, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर फिर से अगर उसको आप दबाते हैं F3 को तो देखिए 4 हो जाएगा, फिर अगर दबाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसको फिर से F3 को अगर हम दबाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12। तो इसको आप जितना दबाएंगे उतने फॉल पे वो सेट हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे कितना रोप लगाए हुए हैं, आपका 4 पे है कि 6 पे है कि 8 पे है कि 10 पे है। तो जितना पे आप आपका रोप लगा हुआ है तो जिस तरह का आपका फॉल आपको सेट करना है, यहाँ से अगर 4 पे है तो 4 पे सेट कर दीजिए, 6 पे है तो 6 पे सेट कर दीजिए, बस ये है। तो इसका बहुत ही आसान है, XCMG में तो अंदर जाके सेट करना पड़ता था लेकिन इसका फ्रंट पे दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है फॉल सेट करना। तो आप लोग कोई भी सेट कर सकते हैं, F3 पे आ जाएं और F3 पे आके आपको जितना सेट करना है उतना पे आप कर दें उसको, उसके बाद से जाके आप बिल्कुल फॉल को अपना चेंज किए हुए हो तो चेंज कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी है तो सिर्फ यहाँ से सेटिंग करके आप अपना काम कर सकते हैं। यही है फॉल सेटिंग का इस कंप्यूटर में आसान सा तरीका। तो चलिए आगे बटन के बारे में बताते हैं आपको। तो देखिए ये जो F1 है ना, F1 मेन मेनू है, अगर इसको हम दबाएंगे तो ऑलरेडी ये जो कंपनी की तरफ से लॉक लगाया गया है ताकि कोई ज़्यादा छेड़े ना, तो इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए मेन मेनू आ जाता है, अब कोड डालेंगे तब अंदर का खुलेगा। और जो ये F2 आपको दिख रहा है ना, F2 देखिए, अगर हम F2 को दबाएंगे तो ये हमारा हर चीज़ का आ जाएगा। देखिए लिखा है वर्किंग सेटिंग, यानी कि जो चीज़ आप सेट करना चाहते हैं ना, हुक वगैरह, फ्लाई जिप वगैरह, ये डिग्री सेट है, यानी कितना डिग्री में आप रखना चाहते हैं उतना अगर सेट कर दीजिएगा, या मेन हुक सेट करना हो या फ्लाई जिप सेट करना हो तो उतना पे आप सेट कर दीजिएगा, तो उससे ज़्यादा डाउन जाएगा ही नहीं, वो फिक्स हो जाएगा, चाहे आप थक जाइएगा करके नहीं जाएगा। और देखिए ये F3 के बारे में आपको बताए ही थे, F3 तो फॉल सेट करने के लिए है।
और बैक अगर आपको आना होगा तो F8 से आप आ सकते हैं कहीं भी अगर कंप्यूटर में जा रहे हैं तो। और F4 जो है आप देख पा रहे होंगे, अगर F4 को आप दबाएंगे ना तो देखिए ये हमारा जो कि क्रेन का सारा इन्फॉर्मेशन जो है, कितना में सेट है और कितना आप करके रखें, कितना एंगल में है, कितना डिग्री में है, मैक्सिमम बूम कितना है, सारा चीज़ आपको इसमें बता देगा आपको, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये F4 में है। उसके बाद से आप अगर F5 में आते हैं फिर से, तो F5 आप देखिए, F5 को अगर आप दबाते हैं यहाँ पे तो F5 का फंक्शन देखिए लॉक है, काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। और चलिए F6 आपको दिखाते हैं कि F6 अगर हम देखिए दबाएं तो जितना भी हमारा कंप्यूटर का यहाँ पे जो वायर का जो भी फ्यूज है ना, जितना भी फंक्शन का, वो बिल्कुल शो कर रहा है। तो कोई भी अगर आप फ्यूज देखना चाहते हैं जितना भी नंबर का हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये F1 से फिर बैक आ सकते हैं आप, देखिए F1 दबाएंगे इस तरह से तो आप बिल्कुल बैक आ जाएंगे, तो वहाँ से बैक आ सकते हैं। और ये हमारा रहा F7 ये F7 को अगर हम दबाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि, तो ये आप देख पा रहे हैं F7 के पास में बिल्कुल ये देखिए स्पीकर जैसा है। तो ये क्या है कि जब अगर कोई फॉल्ट आता है या तो ये बाईपास लग जाता है तो सायरन देने लगता है बहुत ज़्यादा, तो आप उस साउंड को F7 दबा के बंद कर सकते हैं, तो वो जो है ना साउंड जो आवाज़ आती है केबिन के अंदर में वो बंद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा सारा बटन, और चलिए आपको एक एक करके बिल्कुल बटन के बारे में बताते हैं। तो देखिए जो आपको सामने दिख रहा है ये लाइट का बटन है, अगर इसको हम उस साइड पे करेंगे तो ये पूरा लाइट जल जाएगा। और सेकंड बटन जो आपको दिख रहा है ये वाइपर का है, फ्रंट वाइपर का, आगे साइड का वाइपर का है, और उसके बगल में जो है वो बिल्कुल ऊपर का जो शीशा होता है उसका वाइपर का है। और उसके बगल में जो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल जो है उससे पानी निकलता है, वाइपर में पानी निकलेगा आपको। तो चलिए अब इसके नीचे आते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है हाइड्रोलिक फैन का है, यानी कि हाइड्रोलिक ठंडा करता है ये। तो इसको अगर हम आगे की ओर कर देंगे, इस तरह करके छोड़ेंगे, तो वो जो हमारा फैन है बैक साइड में वो चालू हो जाएगा। तो जब भी हम वर्किंग करते हैं ना तो इस स्विच को चालू करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि वो कंट्रोल में रखता है हाइड्रोलिक पूरा, क्योंकि पूरा क्रेन हाइड्रोलिक फंक्शन में है। और इसका बगल वाला जो देख रहे हैं ये पूरा कीबेट का लाइट है, जो भी यहाँ का है, देखिए सारा लाइट आपको जल गया, आप देख पा रहे होंगे। देखिए अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये देखिए ऑफ हो गया। तो ये पूरा ये की जो भी मेरा स्विच है ना ये सारा का ये लाइट है। और ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं इसके बगल वाला, ये भी लाइट का है, ये बाहर साइड का जो लाइट है वो ऑपरेटिंग केबल के या आगे पीछे जितना भी होता है रिवॉल्विंग लाइट वो जल जाएगा, अगर एक कनेक्ट है तो एक, दो कनेक्ट है तो दो। और उसके बगल में जो आप देख पा रहे हैं ना ये देखिए ये हमारा स्पीड का है, अगर इसको आगे की ओर कर दिए तो ये खरगोश की तरह तेज, यानी कि तेज़ी से काम करने लगेगा, और अगर ऑफ कर दिए तो ये स्लो काम करेगा, जो कि हमारा रोप वगैरह है जो डाउन करते हैं, हुक बड़ा हुक या छोटा हुक कोई भी हो, तो उसका उस बटन का वही काम है कि वो स्लो और फास्ट, वो अपने अनुसार से आप रख सकते हैं। और इसके नीचे बिल्कुल अगर हम आ जाएंगे तो देखिए ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये मिट गया है, आपको दिख रहा है क्रॉस का चिन्ह दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये जो क्रॉस का चिन्ह है ना ये बाईपास है, ये अगर कभी बाईपास लगाना हो तो इसको डाउन करना पड़ता है इस तरह का, तो डाउन करेंगे तभी कुछ काम करेगा, और बाईपास लग जाएगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसका जो बगल वाला देख रहे हैं ये स्विंग का है, तो इसको अगर हम आगे की ओर करेंगे ना ये तो ये स्विंग जो है ना कंट्रोल हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा, उसको अगर आप दबा देंगे ना इस तरह करके तो वो रुक जाएगा, स्विंग नहीं होगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक, अगर कभी नहीं रुक स्विंग को अगर रोकना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी रोक सकते हैं, यानी लॉक लगा सकते हैं। और उसका बगल में जो आप देख रहे हैं ना ये स्विच काम आता है मेन बूम का, ये जो स्विच है ये आप स्विच जो देख रहे हैं ना ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस स्विच का काम ये है कि अगर ये आगे की ओर रहेगा ये स्विच तो एक साथ में, देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर में दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम ऑफ करते हैं, तो ऑफ करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपको लाल सा दिख रहा है, यहाँ जो लाल सा दिख रहा है देखिए यहाँ एक नंबर है, 1 नंबर आया हुआ है आपको दिखा, लेकिन अगर हम इस स्विच को फिर से अगर हम आगे की ओर कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से स्विच ऑफ रहेगा ना, इसको ऑफ रहेगा इस तरह से स्विच, तो सिर्फ एक बूम निकलेगा, जो कि बेसिक बूम हमारा है, सिर्फ वो बूम निकलेगा। अगर हम इसको 2 नंबर पे लगा दें, यानी आगे की ओर कर देंगे, देखिए यहाँ पे 2 नंबर आ गया, अगर आगे की ओर इसको कर देंगे तो एक साथ में 3 बूम निकलेगा, जो कि इसका फंक्शन आपको बताए थे किस तरह से निकलता है, तो ये स्विच का ये काम है। और जो वो बगल वाला स्विच है ना,
ये जो बगल वाला स्विच है ये बूम बाईपास का है। मान लीजिए अगर ये स्विच आप अगर नहीं लगाना चाहते हैं, ये वाला स्विच अगर खराब हो गया या नहीं लगाना चाहते, तो जो बगल में जो स्विच है उसको आप अगर ऑन कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा, और ऑफ कर देंगे तो देखिए ये 1 नंबर पे आ जाएगा। तो ये स्विच बाईपास स्विच है, समझिए। तो जो बूम का है वो बाईपास स्विच है। और इससे नीचे देखिए आप आगे जाइए सबसे पहले, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से जो है ना पूरा क्रेन बंद हो जाएगा। अगर हम इसको आगे की ओर रखेंगे दबा के तो हमारा पूरा क्रेन बंद हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बगल जो स्विच देख रहे हैं ये हमारा वर्किंग स्विच है। अगर इसको ऑन रखेंगे तभी वर्क करेगा क्रेन, यानी कि स्विंग होगा या मूव होगा अगर करना चाहेंगे तो। अगर ये ऑफ रहेगा तो क्रेन बिल्कुल काम नहीं करेगा। और उसका बगल का जो देख रहे हैं आप इस तरह से गड़ारी टाइप का जो बना हुआ है, ये मेन हाइड्रोलिक का है, पंप का है, जो मेन पंप होता है जिससे हमारा बूम निकलता है या डाउन होता है, कुछ भी काम करता है, जो भी ऑल काम करता है, ये मेन पंप है जिसको मेन पंप बोला जाता है, जिससे सारा हाइड्रोलिक सप्लाई जो करता है उसका स्विच है। अगर हम इसको आगे की ओर करेंगे तभी वो काम करेगा और ऑन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल बंद रहेगा। और ये तो लाइट है, और बगल वाला आप देख रहे हैं ये लाइट है। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल सामने हम आएंगे ना तो ये सामने देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना ये मेन बाईपास है। ये देखिए इसको हम इस तरह करेंगे तो ये मेन बाईपास है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे डेंजरस लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो कंप्यूटर में। तो ये हमारा मेन बाईपास है, कभी अगर काम करते वक्त फंस जाते हैं और करना ही पड़ता है तो रिक्स लेके काम करना पड़ता है, इसीलिए ये बाईपास है यहाँ से। तो ये बाईपास है बस, इस क्रेन का इतना ही फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। यही सारा बटन है जो कि सामने आप देख रहे हैं, और ये जो 5 लीवर है बस, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले बताते हैं, ये जो सामने दिख रहा है आपको ये हॉर्न है, देखिए ये हॉर्न है सामने जो दिख रहा है आपको, ये हॉर्न है। और बिल्कुल यहाँ जो दिख रहा है देखिए एस्केलेटर है, ये देखिए एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर है। और यहाँ पर आप देखिए एक लीवर ये रहा जो कि आपको बताए थे, ये स्विंग का लीवर है, इससे स्विंग होता है। अगर आगे की ओर करेंगे तो ये राइट साइड स्विंग होगा, पीछे की ओर करेंगे तो लेफ्ट साइड स्विंग होगा, आपको पहले बताए थे। और ये हमारा बूम निकलने का है, अगर इसको आगे की ओर करेंगे तो बूम निकलेगा। आप बटन यहाँ से सेट कर लीजिए, आपको सिंगल निकालना है कि 3 पीस निकालना है इससे। अगर सिंगल निकालना है तो इस तरह का रहेगा, और अगर 3 पीस निकालना है तो डाउन की साइड रहेगा। तो ये हमारा बूम निकालने का है जो कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा रहा बूम अप डाउन का, जो कि डिग्री जिसको बोलते हैं, यानी कि जितना डाउन करेंगे जिस डिग्री से ये डाउन होता है, तो एक तरह से इसको डिग्री भी बोला जाएगा। ये इसको ज़्यादातर लोग बूम अप डाउन ही बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको डिग्री ही मानते हैं क्योंकि इसी से डिग्री बनता है। जितना डाउन करेंगे उतना डिग्री पे जाएगा, जितना करेंगे। तो देखिए ये हमारा रहा, ये जो दिख रहा है ये डिग्री है। अभी ये देखिए ये 70.5 डिग्री पे ये हमारा है। तो इसको तो एक तरह से ये अप एंड डाउन, एक तरह से ये अप एंड डाउन का भी है और ये डिग्री का भी है माना जाए एक तरह से तो। और ये हमारा रहा छोटा हुक का, ये हमारा छोटा हुक का है जो कि अप एंड डाउन जाएगा। और ये है हमारा बड़ा हुक का जो कि अप एंड डाउन का है। बस हमारा क्रेन का यही फंक्शन है और तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ भी फॉल्ट आता है यहाँ कंप्यूटर आपको बता ही देगा, आप अच्छी तरह से देख सकते होंगे। और फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखिए। और ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर 2 मीटर है, एक ऑयल का मीटर है और एक प्रेशर मीटर है, बस एक हाइड्रोलिक का है और एक प्रेशर मीटर है। हाँ, हमारा वार्निंग लाइट्स, अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे आपको आगाह कर देगा कि क्या प्रॉब्लम है, या बंद हो गया या हैंग हो गया, कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये लाइट आपको यहाँ पे बजने लगेगा, शो करने लगेगा, भग भुग करने लगेगा, यानी कि अप एंड डाउन होने लगेगा। और ये है हमारा देखिए, एक हाइड्रोलिक का है, एक हाइड्रोलिक का है और एक है प्रेशर का, जो कितना प्रेशर जाता है वो है ना, ये हाँ एयर प्रेशर का, बस यही 2 ही है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आपको सारा चीज़ दिखा ही दिए, यही बिल्कुल फंक्शन है हमारा क्रेन का, बस इतना ही स्विच है। एक बार आप फिर से देख ले, यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये स्विच रहा और यहाँ पे ये स्विच रहा, और ये 5 लीवर रहा, और एक हॉर्न है और एक एस्केलेटर है, बस यही है। यहाँ पे इतना ही फंक्शन है जो कि सनी क्रेन का है। हेलो गाइस, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और एक आपके एक शेयर से शायद किसी और को भी जानकारी मिल जाए जिसको जानना हो और सीखना हो, तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।
कोई भी मन में आप लोगों को अगर ख्याल आता है या कुछ पूछना होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट्स जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों को जवाब जरूर दूंगा।